नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में रविवार की शाम दो भाइयों पर तेंदुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनका पीछा कर रहे तेंदुओं पर दोनों भाइयों ने कुछ ऐसा किया कि जिससे उनकी जान बच गई। एक वन अधिकारी ने AFP को बताया कि जब आपको खतरा महसूस होता है तो आपकी पहली प्रवृत्ति ये होती है कि आप खुद को बचाने के लिए जो भी कर सकते हैं करें। उन्होंने यही किया। उनके पास एक केक था और उन्होंने उस तेंदुए पर फेंक दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार फिरोज और साबिर मंसूरी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में फिरोज के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में जा रहे थे, जब तेंदुआ एक गन्ने के खेत से बाहर निकल आया, लेकिन उनकी रफ्तार तेज थी। फिर भी बड़ी बिल्ली कीचड़ भरे रास्ते से आकर उन पर चढ़ गई। तेंदुओं के हमले ने दोनों भाइयों को डरा दिया और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी पीछे बैठे भाई ने तेंदुओं के मुंह पर बर्थडे केक मार दिया। मीठे व्याकुलता के हथियार से प्रभावित होकर भड़कीली बिल्ली ने उनका पीछा छोड़ दिया और बिना केक खाए ही वापस खेतों में चली गई। साबिर ने कहा, तेंदुआ 500 मीटर गज तक हमारा पीछा करता रहा, बिना केक खाए ही वापस खेतों में चली गई, हम बाल बाल बच गए। भारत में तेंदुआ की संख्या 2014 और 2018 के बीच 7% से अधिक बढ़कर लगभग 13,000 हो गई है। सरकार के अनुसार सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। तेंदुए लोगों से और बाघों से कम डरते हैं और अक्सर गांव और कस्बे में भी प्रवेश करते हैं। वयस्कों पर हमला कम करते हैं, लेकिन बच्चों को अधिक खतरा होता है। पिछले महीने कश्मीर में एक तेंदुआ 4 साल की बच्ची को उसके बगीचे से उठा ले गया था। अगले दिन उसका छत विचर 100 मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।